नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो अभी हमारा टीम जो है वो आपको दर्शन करा रहा है पंच सखाओं के पीठ। पंच सखा यानी पांच महान संत, उड़ीसा के पांच महान संत, आज से 500 साल पहले जिन्होंने लिखे थे पवित्र मालिका के ग्रंथ। संत अच्युतानंद दास जी, संत जसवंत दास जी, संत बलराम दास, संत जगन्नाथ दास, संत शिष्यानंद दास जी। तो हम अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं संत बलराम दास जी की जन्म स्थान पर। यह है उड़ीसा प्रदेश की पुरी जिला के अंतर्गत, जो गांव है, जो एक ब्लॉक है वो है गोप ब्लॉक के अंतर्गत एरबंग में हमारा टीम यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं मालिका के महान गवेशक, रिसर्चर और जगत संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी। आइए कान्हू बाबा जी से पूछते हैं क्या है इस पीठ के महिमा और बलराम दास जी के जो मालिका वो क्या क्या प्रमाण देता है, आगे चल के भविष्य मालिका में क्या क्या कुछ होगा। बाबा जी आपको स्वागत करता हूँ। नमस्ते। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मालिका के जो पंच का पीठ, भक्त कवि बलराम दास जी के पीठ में। तो क्या इस पीठ का जो महिमा वो क्या है? जो पंच का है महापुरुष बलराम दास, इन्हें जो अष्टादश सिद्धि है बारों के साधन करता है, साधन इसको प्राप्त होता है जगन्नाथ के कृपा में। इसको मत बलराम दास कहती है, सिद्ध बलराम दास कहती है, और गुगा बलराम दास कहती है, संत बलराम दास कहती है। ये जो बलराम दास है ना वो ज्येष्ठ है, अच्युत, अनंत, जसवंत, बलराम और शिशुअनंत जो पंच का जगन्नाथ है, ये सबसे बड़ा भैया है, सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है ये बलराम दास। और 3,46,000 ग्रंथ लिखा है। 3,46,000 ग्रंथ लिखा है। अच्छा, अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं 1,85,000 ग्रंथ। 1,36,000 ग्रंथ शिशुअनंत। जी 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 जी। वो भक्ति का जो डिवीजन है, भक्ति का पांच डिवीजन कराया है वो। जी। एक है भक्ति के मार्ग में गया जगन्नाथ दास, गारे का त्रयंत्र जो मेन्यूरेशन है, परिमिति जो को ज्योमेट्री परमिशन अंतरिक्ष का ज्ञान, जी जी, वो लिखा है। गारेकटा यंत्र का मालिक है अनंत दास जी ने। जो तत्व है निर्जा सबका तत्व है, ब्रह्मांड भूगोल के ग्रंथ है बलराम दास का, संसार सार गीता के ग्रंथ है, विराट गीता के ग्रंथ है, ब्रह्मपटल गीता के ग्रंथ है, छत्तीस गुप्त गीता के ग्रंथ है, ये जितना ग्रंथ है वेद वेदांत का सार मर्म, वो 136,000 ग्रंथ लिखा है ब्रह्म के बारे में। अच्छा, जो लिखा है ये सबको मिलकर हुए 3,40,000 ग्रंथ लिखा है बलराम दास, सबसे अधिक ग्रंथ लिखा है। और इसमें से भविष्य मालिका के ऊपर कितने ग्रंथ? भविष्य 73 है, 73 ग्रंथ है, 73। और संत अच्युतानंद दास ने लिखा है 318 ग्रंथ। अच्छा, तो क्या प्रमाण देता है मतलब भविष्य मालिका जो बलराम दास जी के द्वारा लिखा गया, आगे चल के क्या क्या कुछ होगा? वो एक ग्रंथ है कली तांडव गीता। जी 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 जी। और ग्रंथ का नाम है कली तांडव गीता। जी। उन्हें बताया है संसार में एक चड़क पड़ेगा। अच्छा, जो धर्म संकुचित हो जाएगा, एक चड़क पड़ेगा। कैसा चड़क पड़ेगा वो लिखा है उड़िया में, हमें आपको बोला उड़िया में वो पंक्तियां बोल दीजिए, फिर इसका वो लिखा है कलितांडव गीता में। युग सरी जीव युग धीर काल ग्रंथ परिमाप नै उशृंखल हेब चामुंडा गहले नीलाचल ब्रह्म जई देश विदेश रे चमक पड़िब एकई ब्रह्मर गान नीलाचल नाथ श्री जगुनायक तुम्भ पादरे शरण महिमंडल जे उश्वास होइब एकमात्र नाम सार ठिकणा बेल रे लीला प्रकाशिव भावे बल राम वीर मत बल राम मत रे दायण नसविलि तुम्भ पाद श्री जगुनायक तुम्भे मो सामंत तुम्भे परा मोहि भाव। से कहते ये कली युगरे चमक पड़ब, कौ चमक पड़ब ना अग्निर चमक पड़ब। अच्छा। अग्नि तत्वटा विचलित हम बर्तमान जो केमिकाल अस्त्र अच्छी ये युद्ध गुड़ा चारिड़ हम। अच्छा, हेला पर कौन हम ना एकम्र नाम ही रहा, नाम संबल से नामटा कहार
न से पंचोसो का नाम तो जगन्नाथ का नाम, सूरज का जो रोशनी है, रोशनी है वो पहल करेगा। पहल करेगा वो नॉर्मल सार हो जाएगा। अच्छा, इतना मतलब तब जो है बढ़ जाएगा तो इसमें से बहुत सारे जो पापी है वो नाश हो जाएंगे, 83 देश नाश हो जाएगा। मोहिमंडल 83 कंट्रीज जो देश है वो बिल्कुल नामोनिशान उनका मिट जाएगा विश्व की मानचित्र से। 111 देश में वो पंचोसा ग्रंथ को सबसे प्रणाम करेगा। 111 देश जो है पंचसखाओं के द्वारा लिखा गया है पवित्र जो मालिका ग्रंथ उसको मान्यता मिलेगा 111 कंट्री से, देश से। और सनातन धर्म की जो ध्वजा उड़ेगा वो भी 111 देश से, सनातन धर्म की जो ध्वजा वहाँ उड़ेगा। जी बताइए, तो आप जो बोल रहे थे जो 3 साल और 90 दिन वो क्या है, उसका पहले उड़िया पंक्ति आप बोल दीजिए, उसके बाद हम हिंदी में उसका। 3 वर्ष 9 दिन अंतर म्लेच्छन रही बेजे ही संसारे, ठकपण वृत्ति करुण थिबे ठकामी भावरे भेट पाइबे, नीलाचल नाथ एक सामंत तुम्भरी पाद चित करि आस, सहीरे तुम्भे एकाम धन संबल नगरे, संबल नगरे, संबल नगरे तुम्भे मो प्राण सहीग, तुम्भे एकाम धन सहीग। संसार जहाँ तब देखुच मेटेरियाल सब देखुच ये सब संपद नुह, बलराम दास कहते आपण जगन्नाथ हूँ मोर मूल संपद, आम समस्त मूल संपद हूँ जगन्नाथ। से कहते 3 वर्ष 9 दिन अंतरे 2024 से लेकर 2027 90 दिन का बाद में 3 महीना कोई संसार में, कोई संसार में जो मिलच है ना, अच्छा कोई नहीं बचेगा, एक ही कोई नहीं बचेगा, सब जो है उनका नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो कैसे होगा, युद्ध के दौरान या फिर प्राकृतिक जो आपदा है? ना, युद्ध में नाश हो जाएगा, युद्ध में होगा। अच्छा, तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जो बलराम दास जी के मालिका यहाँ प्रमाण देता है हाथ में बचा है बस 3 साल और 90 दिन यानी 3 महीने, 3 साल 3 महीने में जो कुछ होना था सब कुछ हो जाएगा, यानी इस दौरान युद्ध भी होगा, इस दौरान प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो भी जो है मौत का तांडव रचेंगे। जी बाबा जी बताइए, तो फिर अंत में एक ही बात मैं जानना चाहूँगा कि भक्तों के बारे में, भक्तों की रक्षा के लिए भक्त कवि बलराम दास ने क्या लिखे हैं? भक्त के रक्षा करने के लिए भगवान का पास एक अस्त्र है, अच्छा, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र वो रक्षा करेगा, सबको रक्षा करेगा। एक चक्र मुनि सेवा है, नीलाचल धाम में एक सेवा है, एकादशी में चक्र को पूजन करने का धारा होता है, वो धारा बलराम दास जी ने एक चक्र रहस्य ग्रंथ लिखा है। शरीर में चक्र है, बाहीं में चक्र है, शरीर में 9 चक्र है। अच्छा, वो तो बात करेगा जोग जोग का बारे में, बाहे में जगन्नाथ के अस्त्र धारण करना है, इसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जगन्नाथ, अच्छा। बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, श्रीमूर्ति, श्रीदेवी, माधवी, ये जो सिंहासन में जो 7 बैठा है रहना, इसका पास के चक्र है, इसका अच्छा, नाम है सुदर्शन। सुदर्शन चक्र विल पावर है, विल पावर काम करेगा, तो वो जो है मतलब भक्तों की वो चक्र घूरेगा, घूरे करे भक्त को सुरक्षा देगा। तो बाबा जी बस एक ही बात आपसे जानना था, फिर वीडियो हम करेंगे स्टॉप। एक्चुअली आपने जो 3 साल और 3 महीने का ये जो टाइमलाइन आपने दिए और उसी दौरान आ रहा है मीन शनि योग, मीनो शनि योग, तो इसमें फिर क्या होगा? मीन शनि योग अभी तो आया ना, पड़ा अभी आया, अभी 2025 में आ रहा है, लेकिन ये जो 2.5 साल है, जो 2.5 साल है मीन शनि योग, और आप बोल रहे हैं 3 साल 3 महीना, 3 महीने में उस दौरान सब कुछ होगा। तो फिर बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को संत भक्त कवि बलराम दास जी के जो पवित्र मालिका के कथाएं हैं वो जो लिखे हैं, आगे चल के क्या कुछ होने वाला है वो सब कथाएं जो है हमारे भक्तों के पास हमने आपने पहुंचाए। तो आप अभी सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी को। बाबा जी ये कह रहे हैं कि हाथ में बस रह गया है 3 साल 3 महीने, इस दौरान जो विश्व युद्ध है वो अपने रुद्र रूप दिखाएगा, खाली इतना ही नहीं जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं वो भी समग्र विश्व स्तर में अपना तांडव रचेगा। देखते हैं, समय साक्षी है, आगे चल के क्या कुछ होता है। तो एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि यह है पंच सखाओं के पीठ, पंच सखाओं के जो अन्यतम जो हैं भक्त कवि बलराम दास जी, उनके जन्म स्थान पर अभी हम खड़े हैं, और यह है उड़ीसा प्रदेश की पुरी जिला के अंतर्गत गोप ब्लॉक अंतर्गत एरबंग गाँव।
तो वहाँ पे है ये पीठ। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन या फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट, फिर वहाँ से सीधा पूरी गो ब्लॉक, मात्र 60 से लेकर 70 किलोमीटर के अंदर ही आएगा। तो फिर कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भक्त कवि बलराम दास जी के बारे में और क्या क्या मालिका के बारे में आप जानना चाहते हैं वो सब लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।